गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप हाउ यू एंड हाउ इज योर स्टडी होप इट्स गोइंग ऑन वेल तो क्लास आपकी लाइव हो चुकी है फटाफट क्लास को ज्वाइन करें सब बच्चे एकेंसी वासु रीना ज्योति रूबी वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो अगेन वी आर गोइंग टू हैव सम कंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन शेक्सपियर विच आर रियली फॉर एग्जाम्पीएस डी एस एस बी एल टी टीडी पीडीटी एक्सेट्रा गाइज टूडे वी आर गोइंग टू हैव दिस क्लास नंबर टेन तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें कुछ बेहतर फैक्ट्स अपने देखते हैं और इनको चेक करते हैं तो सबसे पहले हम उन पेजेस पे आ जाते हैं उन सीट्स पे आ जाते हैं जो हम लास्ट क्लास लास में देख रहे थे तो बच्चों काफी कुछ हमने इसमें वर्क किया है एंड येस्टरडे वी शेक्सपियर है ना हमने बात की थी उथेलो की मैकबेथ की हमने बच्चों बात की थी किंग लियर की मेजर फॉर मेजर की और हमने लास्ट में यहां तक पॉइंट्स अपने कर लिए थे दिस वॉज द लाइन विल हैव टू स्टार्ट यहां से हमें आज स्टार्ट करना है ठीक है ठीक है रूबी ऑल राइट तो सब बच्चे जरा यहां पे देखेंगे हेमलेट फॉलोइंग लाइंस तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये लाइंस बेसिकली किसकी बोली गई हेमलेट ये बच्चों हेमलेट की बोली गई लाइन्स हैं और देखो हेमलेट इसमें क्या कहता है वो सब हम देखते हैं तो बेसिकली हेमलेट सेयर डाउट दैट द स्टार्स स्टूज आर फायर डाउट दैट द सन डॉट मूव डाउट दैट ट्रुथ टू बी अ लाइन है ना बट नेवर डाउट आई लव तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइन्स बेसिकली किसके लिए ओफिलिया के लिए है ना कौन बिलेवेड है उसकी ओफिलिया राइट right, बच्चो कॉलोनियस की डॉटर ओफिलिया दिलेविड ऑफ हैमलेट और आपने दूसरा भी एक देखा था कल एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त था कि आई लव यू मोर देन फोर्टी थाउजेंड ब्रदर्स कैन नॉट या कुड नॉट यानी कि इतना मैं लव करता हूं जितना चालीस हजार ब्रदर्स भी नहीं कर सकते हैं तो ये भी हेमलेट का बड़ा जबरदस्त पॉइंट है फिर दोनों ही पॉइंट जबरदस्त है यहां पर कहने का मीन सीखे डाउट दैट द स्टार्स ये एस टी ए आर एस है बच्चों स्टार्स आर फायर यानी स्टार्स फायर पे है सन मूव कर रहा है है ना ट्रुथ लाई हो सकता है लेकिन कभी भी आपको डाउट नहीं करना कि आई लव किसको ओफिलिया को कि मैं ओफिलिया को लव करता हूं इसमें डाउट नहीं करना है तो ये लाइंस अगर हम देखें हाइपरबोल को शो करती है। लेकिन हैं लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट जी नीलम गुड आफ्टरनून फरहत वेरी गुड आफ्टरनून तो सब बच्चों को ध्यान रखना हेमलेट की ये लाइंस भी बड़ी जबरदस्त हैं अगले पॉइंट पे आते हैं और देखो यहां पे रोजेलिंड का कहना क्या है अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट बल्कि हम देखें तो शी इज द हीरोइन ऑफ दिस if it is true that good wine needs no bush देखो क्या लिखा है if it is true that good wine needs no bush है ना इट मींस दैट गुड प्ले नीड नो एपिलॉग सब बच्चे जानते हैं एपिलॉग और प्रोलॉग क्या होता है जब हम कोई प्ले लिखते हैं बच्चों तो प्ले के स्टार्ट में अगर कुछ पेजी जोड़ते हैं इंट्रोडक्शन टाइप का देते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोलॉग क्या कहलाता है प्रोलॉग और लास्ट में इसके यानी कि नॉवेल या हमारा प्ले कंप्लीट जब हो जाता है तो उसके लास्ट में भी कुछ लाइंस होती हैं या कुछ पैराग्राफ्स होते हैं या कुछ पेजेस होते हैं इसको हम नाम क्या देते हैं एपीलोग तो आपको ध्यान रखना है एपीलोग प्ले के लास्ट में होता है और प्रोलॉग बच्चों स्टार्टिंग में होता है इंट्रोडक्शन की तरह से तो इंट्रोडक्शन एंड लाइक कंक्लूजन तो इसका कहना यहाँ पे रोजिलैंड का क्या है एज यू लाइक इट मेक इट इज ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश गुड वाइन को कोई बुश नहीं चाहिए कैसे इसी तरह से गुड प्ले को कोई भी या फिर उसका end नहीं चाहिए। वो वैसी बेस्ट है सुपर टेट के बीच में वर्क की रिकॉर्डिंग पारुल हाँ बेटा पारुल मैंने बोल दिया है उसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने बोल दी है डोंट वरी वो सॉल्व हो जाएगी है ना वो उसको अपने आप अपलोड कर देंगे ठीक है बच्चों <coughs> एग्जैक्टली exactly, पारुल आपने पूछा था आई हैव डन दैट अगला देखेंगे बच्चों द दे स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट टेक्स प्लेस इन वेरोना सब बच्चों को ध्यान रखना है जो रोमियो एंड जूलियट की है वो कहां पे टेक प्लेस करते है? वेरोना में राइट यानी उसकी सेटिंग कहां पे है आपसे पूछा जाता है जैसे हेमलेट की सेटिंग कहां पे है बताइए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि हेमलेट आपने कल परसों भी पढ़ा था तो बच्चों हेमलेट की सेटिंग कहां पे है आंसर करें सब बच्चे तो इसी तरह से रोमियो एंड जूलियट की सेकंड सेटिंग बच्चों आपको कहां मिलते हैं वेरोना में बेस्ट मैन आर मोल्डेड है ना आउट ऑफ ये मेजर फॉर मेजर में आती है लाइन यस yes, बच्चों आंसर करें कहां पे सेटिंग थी हेमलेट की देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हेमलेट की सेटिंग कहां पे थी एक्जैक्टली exactly, वासु बहुत अच्छे डेनमार्क में थी बच्चों वेरी गुड तो बच्चों इसको देखो यहां पे बेस्ट मैन आर मोल्डेड आउट ऑफ द फोल्ड मतलब कहने का मीन्स है कि जो बेस्ट मैन होते हैं वो कहां से मोल्ड किए जाते हैं कहां से बनाए जाते हैं उनके फोल्ड से बनाए जाते हैं रूबी बिल्कुल ठीक है रीना बहुत अच्छे है <coughs> तो लिए ये अगर लाइन बच्चों हम अपने आप पे फिट करें तो इसका मीन्स क्या होता है कि फोल्ड करना जरूरी है गलतियां होती हैं और गलतियों से हम सीखते हैं समझ में आ रही है अगर हम फोल्ड से रुक जाएं तो हम फिर सही चीजों को कर ही नहीं पाएंगे का मतलब है कि हम एक तरह से फाइट में आ ही नहीं पाएंगे तो ये मेजर फोर मेजर की लाइन है जो आपने बच्चों कल पढ़ा था अच्छा ये क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा मेजर मेजर की हीरोइन का नाम बताइए देखते हैं कौन बताता है बच्चा मेजर फोर मेजर में हु इज द हीरोइन हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस वर्क बताइए बच्चों अब देखो पोप क्या कहते हैं गिव्स द टाइटल फाउंडर ऑफ द फेथ किसको कहते हैं बच्चों हेनरी एट्थ को इज़ाबेला ओके वेरी गुड गुड रीना चलो बच्चे बहुत अच्छा कर रही। Isabella, तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने इजाबेला इज हीरोइन ऑफ मेजर फॉर मेजर करेक्ट बच्चों तो देखो पोप क्या कहते हैं वो टाइटल देते हैं फाउंडर ऑफ द फेथ किस को करेक्ट बच्चों क्योंकि सारे ही इनके थ्रू लिखे गए थे सिर्फ छोड़ के हेनरी सेवन को किसको छोड़ के बच्चों हेनरी सेवन को याद आ रहा है सब बच्चों को अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखो मी वेयर इज फैंसी सो ब्रेड मी वेयर इज फैंसी सो ब्रेड ये कौन बोलता है बच्चों ये बोलता है बसेनियो और कौन से वर्क में बोलता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस की भी कहानी को हम पढ़ेंगे तो मर्चेंट वेनिस में बसेनियो बोलता है टेलमी इज फैंसी सो ब्रेड अगला हम देखेंगे इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ ये कौन कहता है बच्चों एंटनी जब लास्ट में भाषण के लिए जाता है स्पीच के लिए किसमें जूलियस सीजर में यानी कि जूलियस सीजर को मर्डर कर दिया जाता है आफ्टर दैट एंटनी गोज ऑन द स्टेज एंड डिलीवर स्पीच उस स्पीच से पहले वो कहता है जनता से कहता है

अगला देखेंगे बच्चों सम आर बोन ग्रेट देखो कितनी अच्छी लाइन है सम आर बोन ग्रेट कुछ लोग पैदाइशी मतलब ग्रेट होते हैं सम अचीव ग्रेटनेस कुछ लोग ग्रेटनेस को अचीव करते हैं सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम अपॉन एर है ना अपॉन देम इसका मीन्स है ये एज यू लाइक इट में आता है सब बच्चों को ध्यान रखना है इट कम्स इन एज यू लाइक इट बस पकड़ रहा अच्छा ठीक है पीछे का थोड़ा तो ठीक है ठीक है, है बिल्कुल वासु हीरो फादर ठीक है ऑल राइट right, बिल्कुल ठीक है तो इस बात को देखेंगे सब बच्चे सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस अब इसको देखो सम आर बोर्न ग्रेट है ना भैया अगर मैं की बात करूं फुटबॉल प्लेयर देखा आपने क्रिश्चियनो तो वो बोर्न ग्रेट है सॉरी बोर्न ग्रेट नहीं था ही अचीव दिस ग्रेटनेस मतलब इसी वर्ल्ड में अगर आप देखिए तो उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे लेकिन उसने अचीव किया है ग्रेटनेस को सम हैव ग्रेटनेस थर्स अभी आपने अचीव नहीं किया अगर मैं आपको लू आपने अचीव नहीं किया है बट आपके अंदर थर्स्ट है उस ग्रेटनेस को पाने की राइट वासु रीना रूबी है ना ज्योति सभी बच्चों के लिए है ये तो इसका मतलब क्या है कि वन डे वन डे यू विल अचीव इट तो यू लाइक इट की बड़ी जबरदस्त लाइन है हमारी आगे बढ़ेंगे द ओल्ड ट्रेजडीज ऑफ शेसपियर ऑलवेज कनेक्ट विदर्सन ऑफ द हाइयर सोसाय देखो ट्रेजडी है बच्चों ट्रेजडीज आर कनेक्टेड विदर्स ऑफ हायर सोसाइटी कहना है ब्रेडले का देखो अगर आपको याद हो अगर हम बात करें रस्किन की रस्किन क्या कहता है रस्किन का एक बात कहना था किरोइंस नो no हीरोज मतलब के जो हमारे शेक्सपियर है उनके वर्क्स में सिर्फ हीरोइंस हैं हीरोज नहीं है ये किसका कहना था रसी, रस्किन का तो आप ये समझो रसिया जो है वो एक बात को कह रहा है कि सिर्फ हीरोइन उसको दिखाई देती है किसके वर्क में इनके लेकिन ये जबरदस्त बात है भाई जितनी भी हीरोइंस आपको मिलेंगे शेक्सपियर के वर्क में दे आर मोर मेस्कोलाइन वो ज्यादा मेस्कोलाइन है स्ट्रॉन्ग है है ना अगर हम देखें तो एक तरह से ओवरकम किसको करती हैं वो हीरोज को ओवरकम करती हैं भाई चाहे आप बात कर लो अभी, अभी आपने देखा था आ, किसको इजाबेला को देख लो याोजेंड को देख लो या बच्चों आप जूलियट को, बच्चो को देख लो तो सारी ही क्या करती है ओवरकम करती हैं किसको हीरो को हीरो से आगे चलती हैं बिल्कुल रस्किन बोलते हैं वासु एग्जैक्टली अब देखो बच्चों मैन आर तो देखो ब्रेडले का कहना है कि जितनी भी ट्रेस दी है शेक्सपियर की वो कनेक्टेड मतलब अगर बच्चों में उथेलो की बात करूं उथेलो कौन है उथेलो वोज द ओथेलो uh, द एक तरह सेनापति आप इसको कह सकते हैं ही द पर्सनल अगर हम बात करें किंग लियर की कौन था भाई किंग था पूरी तरह से मैकबेथ अगेन किंग था और अगर हम बात करें हेमलेट की तो अगेन ही वॉज द सन ऑफ द किंग करेक्ट बात है तो हेमलेट हो किंग लियर हो मैकबेथ हो या ओथेलो ये सारे ही हायर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो अगर हम ट्रेजडीज की बात करें तो वो कनेक्ट करती हैं पर्सन ऑफ द हायर सोसाइटी इसका मतलब एक बड़ा बनता है ब्रेडले का कहने का कि उन्होंने कभी भी लोअर सेक्शन पे फोकस नहीं किया लोअर सेक्शन पे फोकस नहीं किया राइट बात है कि नहीं भाई सीधी सी बात यह बनी कि आप जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में दो सेगमेंट बनाते हैं एक हाइयर और एक लोअर एक मिडिल भी होता है जिसमें हम लोग हैं है ना मतलब ना तो हम भूखे मरते हैं लेकिन ना ही बहुत जबरदस्त पोजीशन में है ये जबरदस्त में रहते हैं और नीचे वाले मतलब खराब कंडीशन में रहते हैं तो ये लोअर पे फोकस नहीं बल्कि अपर पे फोकस कर रहा है ओनली अब देखो आगे देखेंगे रोजेलिंड एज यू लाइक इट में फिर से क्या कहती है मैन आर अप्रैल वेन दे राइट बच्चो ये वैसे भी आपकी लाइफ में ही मतलब जुड़ जाएगा मैन आर अप्रैल दे का मतलब होता है एक तरह से अट्रैक्ट करना या पटाना जिसको हिंदी में कहते हैं यानी कि मैन जो होते हैं वो अप्रैल की तरह से भाई अप्रैल का मतलब वहां पे क्या होता है अगर हम यूके की बात करें अप्रैल का अभी जो मौसम आने वाला है वो बढ़िया जबरदस्त मौसम है मतलब स्प्रिंग टाइम आप कह सकते हैं इसमें फूल खिले हैं सारी चीजें बढ़िया हैं अच्छा मौसम है जबरदस्त मौसम है बिल्कुल फरहत बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है तो सब बच्चों का सब बच्चे समझेंगे मैन अप्रैल की तरह होते हैं जब वो वू करते हैं अट्रैक्ट करते हैं किसी को पटाते हैं और डिसम्बर वेन दे रेड वेड का मतलब वेडिंग जब शादी करते हैं तो डिसंबर का मतलब कोल्ड हो जाते हैं यानी शादी नहीं करना चाहते ये कौन कहती है रोजलेन किस में कहती है एज like में तो अगर हम इस बात को देखें तो ये वैसे भी मतलब रियल लाइफ से जुड़ती है समझ में आ गया बच्चों को अगला आप देखेंगे एंड विच आर कॉल अच्छा देखो यहां पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है अप्रैल इज अप्रैल इज द क्रेलेस्ट मंथ क्रेलेस्ट मंथ बताओ बच्चों ये कहां पे आता है देखते कौन बच्चा बताता है बड़ा जबरदस्त कोटेशन है अगर हम इस कोटेशन को देखें तो बड़ी जबरदस्त कोटेशन है अप्रैल इज द क्रोएलेट मंथ जैसे यहां पे आपने देखा मैन आर द अप्रैल दे दे वेड तो इसी तरह से हमारी ये कोटेशन आती है अप्रैल इज द मंथ ये किस में आता है बच्चों बताइए वेस्ट विंडरीना ओके थोड़ा सा और इधर उधर को जाओ वहीं पे है आसपास बिल्कुल हां जी बच्चों कहां पे आता है अप्रैल इज द क्रोएलेट मंथ बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये पॉइंट आपके लिए है इस बच्चे इसको सब बच्चे खोज के लेके आएंगे क्योंकि इसी के साथ में और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं <coughs> अगला आप इसमें देखेंगे एंड विच आर अ रोज बाय अदर नेम वांटेड स्मेल एज स्वीट एन है ना एस डब्ल्यू डबल तो रोमियो एंड जूलियट में वही वाली बात है कि व्हाट इज इन इनम नेम नेम में क्या रखा है ये कहां पे आता है हमारे रोमियो एंड जूलियट में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दर ओवर एवियट

किसका है फोकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी इट रिमाइंड प्ले कौन से प्ले को रिमाइंड करता है बच्चों मैकबेथ को बोलो याद आ रही है कि नहीं बात मैकबेथ किसका लिखा गया है शेक्सपियर का और ये बच्चों कितने समय की बात है ये आपकी सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी की बात है सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी की बात है बेसिकली हम देखें तो सिक्सटीन हंड्रेड के बाद में लिखा गया है. इसका मतलब सेंचुरी आपकी आ जाती है लेकिन जब आप बात करते हैं द साउंड एंड द फ्यूरी की ये मॉडर्न में लिखा गया है यानी ये लिखा गया एलिजाबेथन में ये बच्चों किस में लिखा गया है मॉडर्न में तो आपको इनको ध्यान में रखना है अगला आप देखेंगे ऑन नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये वर्क किसका लिखा गया है थॉमस डी क्विन्सी है ना क्यू यू आई एन ई वाई सी वाई थॉमस डी क्विनी अब जरा मुझे बताएंगे थॉमस डी क्विन्सी आपको किस एज में मिलते हैं ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों सब बच्चे मुझे बताएं थॉमस डी क्विंसी आपको किस एज में मिलते हैं है ना अगला इसमें देखेंगे इन द फ्रेज ओ ब्रेवो मींस ब्यूटीफुल न्यू वर्ल्ड ये यूज किया जाता है किसके द्वारा मिरांडा मिरांडा किस वर्क में है द में हाँ जी फरहती ये ऐप है बेटा ये ऐप है और कोचिंग है एकेडमी है कहां पे है दिल्ली में है ऑफलाइन क्लासेस भी वहां पे होती हैं तो जिन बच्चों को ऑनलाइन चाहिए उनको ऑनलाइन इस इसमें मिल जाएगा <coughs> आप मुझे कॉल कर लेंगे तो आपको बिल्कुल जरूरी बिल्कुल ठीक है द तो बच्चों इसको देखेंगे ऑन नॉकिंग एट द गेट थॉमस डी ड्रिक्वेंसी बेसिकली रोमेंटिसम पेमेंटिक रोमेंटिक रिलेटेड हैं है ना अगर आप देखेंगे द ओपियोमीटर मतलब कन्फेशन एन इंग्लिश ओपियामीटर तो ये इन्हीं की लिखी गई है जबरदस्त ओपियम खाते थे और उस नशे में लिखते थे फिर लेकिन वर्ल्ड फेमस है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला देखो बच्चों इसमें द ऑब्जर्वेशन इज अबाउट शेक्सपियर ही इन वेट ऑथर्स लाइक एंड वुड बी लेफ्ट इन अदर्स रेस्ट इज ओनली विक्ट्री इन हिम ये लाइन आती है बस इनके बारे में बाकी आपको इसके बारे में कोई खास नहीं देखना लेकिन ये जरूरी है फुलविया एक बच्चों आपने देखा तो ओफिलिया ओफिलिया कौन है हेमलेट की बीलेवेड लेकिन एक ऐसा ही नाम है फुलविया शी इज द वाइफ ऑफ एंटनी इन एंटनी एंड क्लियपात्रा भाई एंटनी जो जबरदस्त एक वॉरियर है वो किसके प्यार में पड़ जाता है किले पात्रा के और अपनी जिंदगी को खराब कर लेता है जबकि वास्तव में उसकी पत्नी भी है घर पे उसका नाम है फुलविया तो ये सब बच्चों को ध्यान में रखना है करेक्ट मतलब एंटनी जो है वो अपनी वाइफ को जो फुलविया है बड़ी अच्छी है उसको तो घर की मुर्गी दाल बराबर और किले पात्रा जो कि एक बड़ी लड़ाका है उसको धोखा भी देती है उसके प्यार में पड़ जाता है लास्ट में दोनों की डेथ हो जाती है तो इस तरह से एक ट्रेजिडी बन जाती है अब देखो बच्चों एक लिखा है यहां पे शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज अगर मैं कह दू शेक्सपियर को ही वॉज द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स यानी कि एलिजाबेथ एन एज में जबरदस्त ब्लैंक वर्स यूज करने वाले मतलब इन्होंने मैक्सिमम प्लेज में अपने ब्लैंक वर्स को यूज किया है अब सब बच्चों का क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्लैंक वर्स बेसिकली होते क्या है रूबी विद किट अच्छा अच्छा थर्ड वाइफ है ओके तो सब बच्चे यहां पे देखेंगे शेक्सपियर हैज यूज ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज तो ब्लैंक वर्स बच्चों होता क्या है अगर हम एक होता है फ्री वर्स एक होता है ब्लैंक वर्स तो सिर्फ आपको यहां पे इतना समझना है कि आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस जो राइम करती हैं वो ब्लैंक वर्स कहलाती हैं आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स विच है आर इन रिदम जो आपस में राइम करती हैं वो ब्लैंक वर्स बन जाती हैं और अगर बच्चों हम किसी भी तरह का यानी कि अगर मैं स्ट्रेंज फॉर्म और लाइक डेफिनेट मीटर एक्सेट्रा को छोड़ दूं तो क्या बन जाएगा आपका फ्री वर्स बन जाएगा बाकी इनकी दोनों की डेफिनेशन आप देखेंगे उस पर समझ पाएंगे जब तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखेंगे आगे देखेंगे द कॉमेडी ऑफ एर टेकन फ्रॉम अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सोर्स क्या है तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम मिनेचिमी 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 वर्क है उससे ही ली गई है कॉमेडी ऑफ

है ना वार्विक शायर और आपका क्या है वहां पे वार्विक शायर में ये जो स्ट्रेट फोर्ड है स्ट्रेट फोर्ड उनके कस्बे या गांव का नाम है तो उसी के पास एवन नदी बहती थी जिनको नाम क्या थे बार्ड ऑफ एवन वैसे भी वो नेशनल बार्ड ऑफ इंग्लैंड है ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ठीक है रूबी करेक्ट बात है रीना अगला देखेंगे बच्चों कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास जो हमारे थे उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया है ये जबरदस्त लाइन बनती है अब देखो लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन एलिजाबेथन एलिजाबेथन एज एज में किस तरह का क्रिटिसिज्म था लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म राइट बच्चों अब आपके मन में होगा लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म बेसिकली होता क्या है देखो लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन का मीन्स ये होता है कि ये टोटली totally रूल पे बेस्ड होता है बच्चों किस पे बेस्ड होता है बेस्ड यानी अगर आप क्लासिकल क्लासिसिज्म की बात करें या क्लासिकल रूल्स की बात करें उन रूल्स पे इनको तोला जाता था मेजर किया जाता था कि वेदर दे आर इन आ, दे आर कंपेटेबल क्लासिकल रूल्स और क्लासिसिज्म और नॉट अगर वो होते थे वो बेहतर थे अदरवाइज तो नहीं तो क्रिटिसिज्म का एक तरह से मेन इवेल्यूएशन से यहां पर है ना

देखो बच्चों बेन जॉनसन और क्या कहते हैं सबको ध्यान रखना है बेन जॉनसन की बात करें वो इज द फर्स्ट टू यूज द लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर शेक्सपियर के जो वर्क्स थे उसमें बेन जॉनसन ने सबसे पहले लेजिसलेटिव क्रिटिसिज्म को यूज किया था है ना एक तरह से हम देखें तो बेन जॉनसन को उनके कॉन्टेम्प्रेरी है वहीं पे साथ साथ एक समय पे थे और आपको यह भी पता है बच्चों के बेन जॉनसन के दो वर्क्स में शेक्सपियर ने एक्ट भी किया है देखते हैं कौन बच्चा बताता है क्योंकि इन, इन क्लासेस में हम उसको कर चुके हैं शेक्सपियर ने कौन से दो वर्क्स थे जिसमें एक्ट किया है के वर्क्स में? बताइए बच्चों। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बताओ जरा देखते हैं कौन बच्चा बताता है कि ऐसे दो वर्क्स कौन से थे बेन जॉनसन के जिसमें शेक्सपियर ने एक्ट किया था मतलब एक्टर ऑन द स्टेज इन दो वर्क्स तो पहला था बच्चों

सेकंड वर्क बताएंगे सब बच्चे देखते हैं किस किस को याद आता है बेन जॉनसन के कौन से वक्त अब एक छोटी सी बात देखो याद नहीं आ रहा है ठीक है अब देखो इसी लाइन पे हम पीछे की तरफ जाते हैं सब बच्चे ध्यान से देखेंगे लेट्स गो टू बैक ऑफ दिस वर्क है ना देखो बैक गए आप लोग ये कुछ पेजेस हमारे हैं है ना अब आप देखो यानी हम एक एक तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं ये सारे वर्क हम देखते चले वी आर जस्ट गोइंग टू हैव दीज वर्क हम इनको देख रहे हैं ये देखो जरा यहां पे। ये कौन सा पेज है बच्चों हमारा नाइन्थ पेज है शेक्सपियर एक्टेड इन जॉनसन ये एच नहीं है यानी बेन जॉनसन के एवरी मैन इन ह्यूमर है ना एच यू ओ यू आर एंड सेजानस इज फोल बोलो याद आ रहा है बच्चों के नहीं बस सेजानस इज फोल इतना सा भी ध्यान रह जाए आपको एवरी मैन भी आ, तो आप इसको कंप्लीट कर देंगे मेरी बात थोड़ी समझ में आई अब हम आगे बढ़ते हैं अभी देखो आपने क्या अगर मैं बताऊं तो एक पेज पे यहां पे चार चार पांच पांच लाइन है और टोटल पेज बच्चों कितने हैं इस शेक्सपियर के ये देखिए आप लोग हम किस पेज पे आ गए हैं आज वी हैव बिन ऑन द पेज This one. हम यहां पे आए हैं करेक्ट बात है तो यहां पे मैंने पूछा अब देखो सेवेंटी नाइन पेज है सेवेंटी नाइन्थ पे आए यानी बच्चों हमने टोटल कितने सेवेंटी पेज बीच में छोड़े तो आपको ये याद रखनी है और मैं आपको बता दूं इससे शोर्ट शेक्सपियर आप कहीं नहीं पढ़ सकोगे और ये पूरा क्रीमी लेयर है बच्चों क्रीमी अगर आप इसको पढ़ने के बाद देखेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे यह भी एक हंड्रेड परसेंट बात है अच्छा सेकंड वाला सेकंड वाला बेटा इज हिज सेकंड है, Cezannis, ये है. ये एक ट्रेजिडी है एवरी मैन इज ह्यूमर एक कॉमेडी है जबकि इज एक ट्रेजिडी है अगला देखो बच्चों दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स दिस सेपरेट आइलैंड दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी द स्टार ऑफ मार्स ये शेक्सपियर को रेफर किया जाता है शेक्सपियर रेफर टू इंग्लैंड रेफर्स तो शेक्सपियर रेफर करते हैं इंग्लैंड को क्या दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स दिस दिस सेपरेट आइलैंड अर्थ ऑफ ऑफ स्टार्ट मास राइट बच्चों अगले पेज पे अगर हम आए तो बच्चों पेज आपके खत्म हो चुके हैं अगेन आपको ये मिलेगा यहाँ पे शिक्षक एकेडमी पे आप, आप आ सकते हैं बल्कि आना क्या मतलब ये है कि इसकी फी फाइव थाउजेंड है और इसमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बेस्ड यही सारी चीजें बच्चों आपको पेड मिलेंगी डेप्थ में मिलेंगी तो सब बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं जो बच्चे आना चाहते हैं यानी यूपी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए डेप्थ में अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कुछ भी ना आपका छूटे जैसे आप इन टेन क्लासेस को देख सकते हैं यानी हम हर चीज को टच करके यहां से निकल चुके हैं ऐसा एक भी क्वेश्चन शायद ही बचा हो जो आपके एग्जाम में आया और आप ना कर पाए क्लियर टू एवरी हां कब से होंगी वासु जी वासु वसु बिल आंसर यू बिल्कुल ठीक है बच्चों अब एक बात आप इसमें देखेंगे ये हम हटा देते हैं और बच्चों आते हैं इन थोड़े से क्वेश्चंस पे तो सब बच्चे अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे वी डू हैव सम क्वेश्चंस ऑन शेक्सपियर आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर वन पे आंसर करेंगे सब बच्चे आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर वन को ंगलियर वॉज रिटर्न बाई टेनिशन विलियम शेक्सपियर जीबी शो या फिर टी एस इलियट हां जी फरद के वी एस एंड डीएसएस बी उसके लिए भी है हंड्रेड परसेंट बी आंसर बहुत अच्छे सब बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने इसका आंसर बच्चों आपका बी ही जाएगा है ना हमारा क्या आंसर बनेगा बी तो देखो आसान क्वेश्चन है क्योंकि अभी, अभी अभी आपने इसको किया है तो आप आसानी से आंसर भी कर सकते हैं विलियम शेक्सपियर बाकी किंग लियर की कहानी पूरी तरह से पता है थ्री डॉटर्स थी रीगन है कॉर्डेलिया है और एक और है है ना अगले पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जूलियस सीजर बाय किसने रिटर्न किया था बर्नार्ड शो गेल्सवर्दी प्रेमचंद और बच्चों विलियम शेक्सपियर गोनरिल बिल्कुल सही है रीना एग्जैक्टली आंसर विलियम शेक्सपियर है ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं इन विच ऑफ शेक्सपियर फॉलोइंग लाइन कौन सी लाइन है बच्चों द क्वालिटी ऑफ मर्सीड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम कि क्वालिटी ऑफ स्ट्रेन्ड. मर्सी की क्वालिटी स्ट्रेन्ड नहीं है ये ऐसी गिरती है जैसे जेंटल रेन गिरती है heaven से. एग्जैक्टली बच्चों. मर्चेंट ऑफ Venice. अच्छा बताओ इस लाइन को कौन बोलता है हु lines? लाइन बोली किसने है यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पोर्सिया वासुदेव बहुत अच्छे है यह पोर्सिया जो कि हीरोइन है इस वर्क की शी इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क उसके द्वारा बोली गई है अगले क्वेश्चन को देखेंगे फोर नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर कौन सा वर्क इनमें से लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करता है मचेड अबाउट नथिंग द टेम्पे सिंबेलिन या बच्चों विंटर्स टेल एग्जैक्टली exactly, बहुत ठीक है रूबी रीना वासु अच्छे आंसर कर रहे हैं ज्योति आंसर करते रहो बेटा चाहे आंसर गलत हो बट हमें इसको करते रहना चाहिए ये बहुत जरूरी है तो बच्चों लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज मैं आपको बता दूं सबसे लास्ट के फेज में आने वाला कौन सा है बच्चों? द टेम्पेस्ट है ना सी सिंबेलिन एग्जैक्टली सिंबेलिन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल प्ले है और ये बच्चों शुरुआत में ही लिखा गया था तो आंसर आपका क्या जाएगा यहां पे सिंबेलिन करेक्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं फाइव नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज इन थ्री पार्ट पार्ट वन पार्ट वन पार्ट सेकेंड और बच्चों पार्ट थर्ड बताओ इनमें से कौन सा है तीन पार्ट में लिखा गया है जी लास्ट प्ले है वासु एग्जैक्टली डी कमलेश हंड्रेड परसेंट कमलेश बहुत अच्छे हेनरी सिक्स को अगर आप देखेंगे तो इट हैज बिन रिटर्न इन पार्थ, थ्री पार्ट्स एक बात देखो यहां पे बड़ी जबरदस्त ये जो बच्चों हेनरी फोर्थ है है ना ये हेनरी फोर्थ जबरदस्त था हेनरी फिफ्थ को मैन ऑफ एक्शन वो कहते हैं हेनरी फोर्थ दो पार्ट में लिखा गया है और बच्चों जो कल आपने देखा था एक कैरेक्टर है क्या कहते हैं इस कैरेक्टर को हम्म hmm. जो कैरेक्टर हमारा आता है मैरी वाइव ऑफ विंडसर में बताओ जरा मैरी वाइव ऑफ विंडसर में सबसे फनी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर कौन सा है याद करो हाँ हेनरी फोर इन टू पार्ट वासु इधर से ठीक है बेटा आपकी तरफ से कुछ दिक्कत होगी फॉल स्टाफ हंड्रेड तो फॉल स्टाफ जो हमारा कैरेक्टर है बच्चों जो कि आपके किस में आता है मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में एक्चुअली ये पहले जो एम्प्लॉय किया गया था वो हेनरी फोर्थ में किया गया तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है है ना तो इस बात को लेके हेनरी फोर्थ जबरदस्त हो जाता है अच्छे क्वेश्चन आते हैं रिचार्ड थर्ड और रिचार्ड सेकेंड ये बेकार है अगर हम देखें तो ये एक तरह से दुश्मन थे शेक्सपियर के एलिजाबेथन एज के एलिजाबेथ के लेकिन बच्चों हेनरी सिक्स जो था ये तो बिल्कुल डंप था डब कहेंगे हम इसको बेकार था यानी कि जैसे इसका फादर था जिसका नाम है हेनरी फिफ्थ जिसको शेक्सपियर ने कहा है मैन ऑफ एक्शन क्या कहा है बच्चों मैन मैन ऑफ ऑफ एक्शन एक्शन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हु हैज बीन कॉल्ड एज द इट वाज हेनरी लेकिन हेनरी बेकार था उसने सारी चीजों को खो दिया यानी कि दोज वेरी थिंग्स विच हैव बीन अर्न्ड बाय हेनरी सिक्स वो सारी यानी कि फ्रेंच को खो दिया एंड अदर जो स्टेट्स और उसकी पावर थी इंग्लैंड की वो कंप्लीटली हैज बीन लॉस्ट नरी सिक्स के अंडर में लेकिन बच्चों हेनरी सिक्स को तीन पार्ट में लिखा फिर भी किसने शेक्सपियर ने तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं ये आपको याद रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आएंगे इन सिक्सटीन कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई तो बच्चों बताओ जरा किसने इसको प्रिंट किया था सिक्सटीन जीरो वन में कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट लेडी डार्क लेडी ऑफ सोनेट मिस्टर डब्ल्यू एस थॉमस थॉर्प या फिर जॉर्ज पील सी आंसर हंड्रेड परसेंट बच्चों इट वॉज थॉमस थॉर ये हमारे थॉमस थोर थे वेरी गुड तो इट वॉज थॉमस थोर देखो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके ऑलरेडी पूछे गए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे सब बच्चे विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर इज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन मतलब शेक्सपियर का कहना था कि भाई ये वर्क तो फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन है एयर का मीन्स उत्तराधिकारी यानी मेरे इन्वेंशन का सबसे पहला उत्तराधिकारी है तो किसने बोला था बच्चों बताएं आप लोग वेरी गुड वीनस एंड एडोनेस वेरी नाइस बहुत अच्छे और बच्चों लिखा कब गया था 15, 93, 94, 95, 96। बताओ कब लिखा गया था वीनस एंड एडोनेस और इसी के अगले साल में लिखा गया था रेप ऑफ ल्यूक्रीसी वेरी गुड वासु करेक्ट बात है फिफ्टी थे पॉपुलसी तो 1593 94 दोनों ही जाने जाते हैं के लिए. इन दोनों को हम इन वर्स के लिए जानते हैं बच्चों करेक्ट एवरीवन जी अगला देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर एट वट वॉज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है शेक्सपियर के घर का नाम क्या था जो स्ट्रैटफोर्ड में दिस वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड मतलब जब उन्होंने अपने एक तरह से वो पीक पे आ गए तब तो उन्होंने खरीदा था उसको क्या नाम देते हैं हम ए बहुत अच्छे वासु वेरी गुड गुड बच्चो वेरी गुड रूबी कमलेश वेरी नाइस nice. देखो सब बच्चे न्यू प्लेस उसको कहते हैं शेक्सपियर के घर का नाम बच्चो न्यू प्लेस था मतलब मैं आपको बता दू कि ये अराउंड उन्होंने खरीदा था 1598 के अराउंड में हुआ क्या था एक्चुअली कि वो इस घर के सामने से एवरीडे निकलते थे और ये मेरे पास कब होगा, ये मेरे पास पास कब कब होगा होगा है ना क्योंकि घर की कंडीशन आप जानते हैं ज्यादा बढ़िया नहीं थी तो क्या हुआ कि जब इनके प्लेस चलने लगे क्योंकि आपने देखा देखाटी फोर है ना इनके पोएम से लेके और वर्क हिस्टोरिकल प्लेस एक्सेट्रा गए तो जब इनके पास जबरदस्त पैसा हुआ तो उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट हाउस खरीदा था स्ट्रेट का दैट वाज न्यू प्लेस तो समझ लो बच्चों अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं कोई खास नहीं है अचानक से आपके लाइफ में ट्विस्ट आ सकता है है ना यहां से अर्थ से आप फर्श से अर्थ पे ऊंचाई पे, पे पहुंच सकते हैं पे पहुंच सकते हैं सो कीप कीप पेशेंस वर्किंग नाइन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमेडी कौन सा बच्चों इनमें से कॉमेडी नहीं है आंसर करें सब लोग एज्यूलाइक इट ट्वेल्थ नाइट मिड समर नाइट ड्रीम या के लिए पात्रा कौन सा वर्क इनमें से बच्चों शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है वो कह रहे हैं नोट बहुत अच्छे रीना वेरी गुड रूबी गुड बाशु एंटनियन लिए पात्रा अभी सभी बच्चों ने देखा था एज कैन नोट विदर हर नोट टाइम कैन स्टील के लिए पात्रा की खूबसूरती के लिए कौन कहता है एंट, सॉरी एंटनी का दोस्त कहता है इस बात को किले पात्रा के लिए एंटनी का एक फ्रेंड कहता है वर्बेंशियो समथिंग करके है उसका नाम तो आपको ध्यान रखना है इतनी खूबसूरत यहां पे किसको दिखाया गया है क्लियपात्रा को क्वेश्चन नंबर टेन बच्चों विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वो इज अ फ्री अडेप्टेशन ऑफ ये बच्चों कहां से लिया गया था स्पेनिश ट्रेजेडी से मेचेनी मेनेचिमी ऑफ प्लेटस से क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड से या बच्चों डी कैमरेन बाई बकेशियो से आंसर करें सब बच्चे हां जी आंसर करें सब बच्चे के लव्स लेबर लॉस्ट द सोर्स ऑफ लव्स लेबर लॉस्ट द सोर्स ऑफ लव्स लेबर लॉस्ट आंसर करें ओके okay, ओके okay. सब बच्चे आंसर कर रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड मैनेचिमी अभी आपने मैनेचिमी भी पीछे पढ़ा था बच्चों ओके ओके क्या आंसर दिया है ज्योति डी अच्छा वासु ऐसी कंडीशन तो नहीं आनी चाहिए फरहत बी मैंने चिमी नहीं ध्यान से देखो मैंने चिमी का आपने वर्क देखा था दूसरा ये लव्स लेबल लॉस्ट है रूबी मैंने चिमी ऑफ प्लेटस ओके ऑल राइट right. वासुदेव डी एग्जैक्टली बच्चों इट वॉज फ्रॉम द डी कैमरेन बाई बकेशियो समझ रहे हैं मैंने चिमी से जो आपने देखा था दैट डिफरेंट डी पक्का है बिल्कुल वासु तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब बच्चों के पक्के होने चाहिए तो आज बच्चों इतना ही वर्क करते हैं तो मैं आपको बता दूं इस क्लास का प्रोसेस क्या है बेसिकली यही प्रोसेस है भाई देखो हमने क्या देखा इस क्लास के शुरुआत में हमने वो थ्योरी पढ़ी कंप्लीट थ्योरी उस थ्योरी के बाद में आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो इस पर हम वर्क कर रहे हैं अगर ये क्वेश्चंस और थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो आगे का काम आपका बिल्कुल इजी रहेगा अभी आप देख सकते हैं कि इन टेन क्लासेस में जो हमने मतलब आई थिंक कभी भी एक वन आवर की नहीं ली है मुश्किल से फाइव टू सिक्स आवर्स इसमें लगे होंगे हमने शेक्सपियर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट अब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो वेदर इट इज डीएसएसबी के बी एस या फिर यूपी टी डी टी पीडीटी या बच्चों एल टी का भी उठा के देखो तो भी आपका वर्क बनेगा आपने बहुत डेप्थ तक शेक्सपियर को पढ़ लिया है क्वेश्चंस कर सकते हैं आप आप इसके आंसर्स कर सकते हैं कॉन्फिडेंस आपको आएगा तो ठीक है बच्चों आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हैव अ ग्रेट टाइम, कीप कीप डूइंग, लर्निंग, और इसको लाइक भी करेंगे शेयर करेंगे सब बच्चे लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे ऑल राइट अच्छा ठीक है रूबी बहुत अच्छी बात है बस इसको समझते रहना है प्लेलिस्ट में सारी क्लास अवेलेबल नहीं है अच्छा रीना रीना चलो मैं देखता हूं बेटा उसको कोई बात नहीं है ओके बच्चों बाय बाय ठीक है फरा थैंक यू ठीक है जी ठीक है रीना